कश्मीर के श्रीनगर से गरजे अमित शाह, कहा पीओके ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान है भारत का हिस्सा, एक दिन पाकिस्तान भी होगा भारत के अभिन्न अंग। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए युवाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है। एक ओर जहां अमित शाह ने आतंकवादियों को चेतावनी दी कि वो हथियार डाल के मुख्य धारा में वापस आ जाएं, वहीं दुश्मनों को ललकारते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतें बंद नहीं की, आतंकवादियों ने अपनी हरकतें बंद नहीं की, तो पीओके ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को भारत अपने में मिला सकता है। दूसरी ओर अमित शाह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपने पत्थर छोड़ दिया है, अब आपके हाथ में लैपटॉप और टैबलेट होना चाहिए, दुनिया आपके विकास का इंतजार कर रही है, जम्मू कश्मीर में विकास के अपार संभावनाएं हैं और जम्मू कश्मीर भी देश का नंबर वन विकसित राज्य बन सकता है। इसलिए युवाओं से आह्वान करते हुए अमित शाह ने कहा कि आप लैपटॉप और टैबलेट उठाइए, देश के विकास में अपनी योगदान दीजिए। अमित शाह ने यहाँ के 3 परिवारों पर भी हमला किया। अमित शाह ने कहा कि अब से पहले यहाँ या तो महबूबा मुफ्ती का परिवार फलता फूलता था या फिर फारूक अब्दुल्ला का परिवार फलता फूलता था। हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है 28,000 सरकारी नौकरी दी, 51,000 यूनिट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्थापित किए और मिशन यूथ के तहत 70,000 युवाओं को आजीविका देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, 28,400 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेट भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, जिन युवाओं के हाथ में एक जमाने में पत्थर होते थे, आज वही घाटी के युवाओं के हाथ में, जम्मू के युवाओं के हाथ में लैपटॉप देकर मन को बहुत आनंद होता है। ये परिवर्तन इन 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कारण आया है। तीसरा, हुर्रियत के नाम पर लोगों को डराया जाता था, लेकिन अब देश के अन्य राज्यों के जैसे ही जम्मू कश्मीर के युवा भी विकास चाहते हैं और विकास के लिए वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार युवा के साथ है, युवा के साथ कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वहीं अमित शाह के दौरे पर रिएक्ट करते हुए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का गला घोट दिया गया है, यहां जमहूरियत नाम की चीज नहीं है। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए।